नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। तीसरी में संदेहास्पद परिस्थिति में महिला की हुई मौत, खेत में पड़ा मिला महिला का शव। पुलिस ने इसने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया सदर अस्पताल। उपायुक्त के निर्देश पर टीम गठित कर हुआ पोस्टमार्टम। गांव के किशनपुर गांव में रात भर पेड़ से बांधे गए प्रेमी युगल, वीडियो हुआ वायरल। आर्थिक दंड देकर प्रेमी के छूटने की कही जा रही है बात, पुलिस में दर्ज नहीं हुआ है मामला। ताराटार थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुई खूनी झड़प, दर्जन भर से अधिक लोग हुए घायल। दोनों ओर से 5 घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से किया गया धनबाद रेफर। और जीटी रोड पर हर दिन पास होती है प्रतिबंधित मछलियों की गाड़ियां, धनबाद क्षेत्र में पकड़े गए वाहन से हुआ मामले का खुलासा। डुमरी क्षेत्र के कई बिचौलिए हैं सक्रिय, जांच पड़ताल में जुटी है धनबाद पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। तीसरी थाना क्षेत्र के मालिकचाल गांव में बड़की टूडू नामक महिला का शव खेत में फेंका हुआ पाया गया। घटना के बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर महिला के परिजनों ने गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की है। तीसरी थाना के मालिकचाल गांव में बड़की टूडू नामक महिला की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। सोमवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि महिला का शव खेत में पड़ा हुआ पाया गया। परिजनों ने गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की है। बताया गया कि शुक्रवार को बड़की टूडू और उसकी बहू दोनों मेला घूमने गई थी। बाद में बहू तो घर वापस आ गई, लेकिन सास नहीं लौटी थी। बहू ने मेले से लौटते वक्त सास को बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई अता पता नहीं लग पाया था। लगातार खोजबीन के दौरान रविवार की शाम घर से कुछ दूरी पर खेत में महिला का शव पाया गया। बताया गया कि कुछ दिन पहले पड़ोसियों के साथ इसका झगड़ा हुआ था, जिसमें जमकर मारपीट भी हुई थी। उस मामले में पड़ोस में रहने वाले आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। परिजनों को आशंका है कि उन्हें लोगों ने गला दबाकर बड़की टूडू की हत्या कर दी है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के आदेश पर टीम गठित कर महिला के शव का पोस्टमार्टम 3 चिकित्सकों के द्वारा करवाया। गांव के किशनपुर में एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने धर दबोचा और पूरी रात रस्सी से बांध कर रखा। जानकारी के अनुसार युवक से आर्थिक दंड का भुगतान करवाकर उसे दोबारा ऐसा न करने की हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया। गांव थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में प्रेमी युगल को रविवार की देर रात ग्रामीणों द्वारा धर दबोचे जाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में ग्रामीणों द्वारा पूरी रात प्रेमी को रस्सी से बांध कर रखा जाना साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रेमी युवक से उसके माता पिता को बुलाने को भी कहा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार प्रेमी युवक गदर पंचायत के सरलाही टांड निवासी सुखदेव राय का पुत्र उदय कुमार है, जो रविवार की रात अपने प्रेमिका से मिलने उसके घर गदर पंचायत के ही किशनपुर पहुंचा था, जिसके बाद दोनों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और प्रेमी युवक को रस्सी से बांध दिया। बंधक बनाने के बाद उससे पूछताछ की गई और उसे अपने माता पिता को बुलाने को कहा गया। रात भर बंधक बनाए रखे जाने के बाद सोमवार की दोपहर ग्रामीणों ने युवक के परिजनों को बुलाया और पंचायती कर प्रेमी युवक पर 1,51,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया, जिसके भुगतान करने के बाद दोबारा ऐसा न करने की नसीहत देते हुए उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस संबंध में जब गदर पंचायत के मुखिया ब्रह्मदेव शर्मा से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मामले का समझौता कर प्रेमी युवक पर आर्थिक दंड लगाते हुए वापस उसे घर भेज दिया गया है। इधर गांव थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि इस मामले को लेकर थाने में कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत किया जाएगा तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ताराटांड थाना क्षेत्र के मनकडीहा और नमनिया गांव के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्ष से दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर बेवजह हमला करने का आरोप लगाया है और थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घायलों में से 5 को धनबाद रेफर किया गया है।
ताराटांड थाना क्षेत्र के मनकडीहा तथा नमनिया गांव के लोग सोमवार को आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्ष से दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जिनमें से 5 को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि एक पक्ष से जमशेद आलम, मुखिया अब्दुल रशीद, शमसुल शेख, तारिक अंसारी, नौशाद अंसारी, नसीम अंसारी और मुस्तफ़ा घायल है। वहीं दूसरे पक्ष से अख्तर अंसारी, रजाक अंसारी, रबीउल मकबूल अंसारी, अलीमुद्दीन अंसारी, अकबर मियाँ, शमीम अंसारी, नसीम अंसारी और शकूर मियाँ घायल हैं। घायलों में से एक पक्ष से 3 और दूसरे पक्ष से 2 लोगों को रेफर कर दिया गया है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर बेवजह हमला करने का आरोप लगाया। फिलहाल मामला थाने में दर्ज हो गया है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पहले मेरे अबू का मतलब 2 पिछली हड्डी को तोड़ दिया था, उसको इंजर मतलब ये रिपोर्ट वोट करा के लाया। उसके बाद मेरे अबू कहीं चल भी नहीं पा रहे थे, तो मेरे अबू जो है वहाँ ईदगाह का सिक्योरिटी है, पैसा वैसा ईदगाह का उसी के पास है, तो हम वहाँ से आए। मेरे अबू ने भेजा कि हम नहीं जा सकते हैं, देखो किस तरह काम किया है कि नहीं किया है, जाकर देखिए। वहाँ पर हम देखने के लिए आए, मेरे साथ मेरे चचा का लड़का भी थे, दोनों आए। तो छोटिया और ये सब लोग थे वहाँ पहले से, मतलब सब सामान लेकर, तलवार और फारसी से लाठी डंडा सब लेकर था। वो बोलने लगे कि तो उसके अब्बू को हम मार दिए, ये बच गया था, आज इसको नहीं छोड़ना। हमको दौड़ाना शुरू किया, हम चिल्लाते हुए भागने लगे। इतने में मेरे मोहल्ले के कुछ लोग आए, तो उसमें से 8-10 आदमी को मतलब सर फाड़ दिया, किसी का पेट तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, इससे पहले किसी का दांत भी तोड़ दिया। इससे पहले जब हम आ रहे थे, इससे 1 महीना पहले, तो मेरा एक भाई था, चचेरा भाई, उसको मार कर अंदर चला गया, घर घुस गया। उसके बाद वो मामला हल हो गया कि चलो एक ही जगह के रहने वाले हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आया मेरे अब्बू एक, यही करीब 10 दिन हुआ है। तो 10 दिन पहले मेरे अब्बू आ रहे थे वहाँ से, तो मार के 2 पिछली का हड्डी तोड़ दिया। उसके बाद एक ये वाला पिछली हड्डी भी टूट गया। मेरे अब्बू PMCH में इलाज भी कराया, और किसी तरीके से वो घर में है अभी, तो बोला ईदगाह में भी काम करवा रहे हैं, जाके देखो किस तरह है कि नहीं है। पूरे मतलब ईदगाह का जो है 5-6 के लोग नमाज में पढ़ते हैं, उसी के मालिक मेरे अब्बू, तो देखने के लिए भेजा कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, जाकर देखिए। तो हम 2 लड़के आए थे वही देखने के लिए, तो बोला कि उसके गिरिडीह के निमिया घाट से लेकर बगोदर तक हर दिन प्रतिबंधित मछली लदी गाड़ियां चलती है। बताया गया कि लोकल स्तर के भी कई बिचौलिए इस सिंडिकेट में शामिल हैं। फिलहाल धनबाद पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। गिरिडीह के निमिया घाट क्षेत्र से लेकर बगोदर तक हर दिन दर्जनों प्रतिबंधित मछली की गाड़ियां चलती है। सेटिंग वेटिंग के सहारे बगैर किसी रोक टोक के गाड़ियों को जीटी रोड पर निकलने दिया जाता है। बताया गया कि बंगाल से लेकर बिहार तक इसका एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जो जीटी रोड में पड़ने वाले सभी थानों में चढ़ावा चढ़ाकर अपने काम को अंजाम दे रहा है। इस खेल में लोकल स्तर के भी कई बिचौलिए शामिल हैं। इस संबंध में धनबाद के जिला मत्स्य पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी ने बताया कि मांगुर मछली भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस मछली से संबंधित किसी तरह के व्यंजन पर भी प्रतिबंध है। बता दें कि बीते दिन मैथन पुलिस द्वारा थाई मांगुर मछली लदा गाड़ी को पकड़ लिया गया था, जिसके बाद रविवार को जिला न्यायालय के आदेश पर मछलियों को दफन कर दिया गया। आपको बता दें कि बीते दिन थाई मांगुर मछली लदा गाड़ी बंगाल से झारखंड में डिबुडी चेक पोस्ट के रास्ते प्रवेश कर रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों द्वारा उक्त गाड़ी को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद पता चला कि गाड़ी में प्रतिबंधित खतरनाक थाई मांगुर मछली है, जो पूरे देश में प्रतिबंधित है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और गाड़ी पकड़े जाने के बाद कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया। गाड़ी पकड़े जाने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। इस दौरान गिरिडीह और धनबाद के कई बिचौलिए गाड़ी को छुड़ाने के लिए मौके पर पहुंचे। धनबाद का स्थानीय न्यूज चैनल सिटी लाइव ने इसका स्टिंग ऑपरेशन कर बिचौलियों के चेहरे को बेनकाब किया। उन चेहरों में डुमरी क्षेत्र के 1-2 लोग भी शामिल थे। हालांकि इस मामले में धनबाद पुलिस तहकीकात में जुट गई है। देखना होगा धनबाद पुलिस की जांच में डुमरी इलाके से कौन कौन लोग फंसते हैं। एक बंगाल से झारखंड बिहार की ओर जा रही थी गाड़ी, जिसमें एक्सीडेंट हुआ, एक पशु रास्ते में उसे दुर्घटना के कारण मृत्यु हो, उसी में फिर गाड़ी रुका, तो उसमें पता चला कि मछली लोड है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया सर ये मछली अवैध है, इसको प्रतिबंध किया गया है। उस संबंध में हम लोग थाना गाड़ी को लाए हैं। उसके बाद मत्स्य विभाग को पत्राचार किया गया है, उनके द्वारा वहाँ से आकर टीम देख रही है, वो जाँच करके फिर जो रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार अगर कार्रवाई हम लोग करेंगे।
सर अभी तक इस कारोबार में किसी का नाम सामने आया है क्या? अभी तक प्रथम दृष्टया में गाड़ी रुका हुआ है, अभी हम लोग और छानबीन कर रहे हैं। अगर जैसे इसे बात आगे आता है तो देखेंगे। सबसे पहले तो उनका जो जांच रिपोर्ट आ रहा है उसके आगे ही इस पर कुछ कार्रवाई किया जा सकता है। आगे का कार्य उस पर निर्भर है कि उनके द्वारा हम लोग को क्या बताया जाता है कि ये मछली प्रतिबंधित है, इसका परिवहन नहीं हो सकता है और इसके लिए ये कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है, तो हम लोग वैसा करेंगे। सर गाड़ी के साथ किसी की पकड़े जाने की खबर है? गाड़ी का चालक होगा, चालक रुका है, उसको रोका गया है, उसे डिटेल पूछते हैं पहले तो उसका जांच रिपोर्ट आने देते हैं। एक सर बात है क्षेत्र में कि इस क्षेत्र से मतलब बंगाल से झारखंड में प्रतिबंधित जो मांगुर मछली है जो कैंसर जैसे बीमारी को जैसे खतरनाक बीमारी है, उसका कारोबार काफ़ी जोर शोर से हो रहा है, जो स्थानीय कुछ युवक है सिंडिकेट के सहारे किया जाता है, आपके विभाग इस पर क्या कार्रवाई होगी? मछली प्रतिबंधित कहीं से नहीं है जहाँ तक हमारी जानकारी है, और मांगुर मछली थाईलैंड मछली के बारे में सूचना है और इसका सटीक जानकारी मत्स्य विभाग देंगे कि ये मछली प्रतिबंधित है अथवा नहीं है। अगर वो प्रतिबंधित का इसका सर्टिफिकेट देंगे तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और विशेषकर इस पर और निगरानी रख टीम बना के समन्वय बना के हम लोग आगे भी इस पर कार्रवाई करते रहेंगे। ग्रामीणों द्वारा हमें पता चला कि आज एक मांगुर गाड़ी पकड़ा गया है और उस गाड़ी द्वारा एक एक्सीडेंट भी हुआ, एक बैलगाड़ी का। तो ये लोग ग्रामीण लोग पकड़े, ये जो गाड़ी मांगुर गाड़ी जो पकड़ा गया है, इस मांगुर गाड़ी का जो मछली है उससे कैंसर बीमारी होती है। और ये पहले तो इस गाड़ी को जब ये पकड़ा जाता है तो न्यायालय का यही आदेश है कि इस मछली को पहले नष्ट किया जाए और उसके बाद जो जिसका गाड़ी है उसके ऊपर ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उसके ऊपर केस किया जाए, क्योंकि ये बहुत घातक कैंसर जानलेवा बीमारी को उत्पन्न करता है। तो थाना से एसडीपीओ साहब से यही गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द नष्ट किया जाए और जो गाड़ी वाले हैं जो ये कारोबार करते हैं सिंडिकेट करते हैं उनके ऊपर केस किया जाए। सिंह बस्ती में रहते हैं? अरे मही बस्ती में। कौन बस्ती? बलियान बस्ती। बलियान बस्ती। जिला परिषद कार्यालय के समक्ष जीप सदस्यों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इन्होंने 15वें वित्त की आबद्ध अनाबद्ध की राशि के बंटवारे में मनमानी का आरोप लगाया है। बताया गया कि इस धरना कार्यक्रम को माले ने भी अपना समर्थन दिया है। जिला परिषद में 15वें वित्त की आबद्ध अनाबद्ध की राशि के बंटवारे में मनमानी का आरोप लगाते हुए जीप सदस्यों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। जिला परिषद कार्यालय के समक्ष जीप सदस्य धरने पर बैठ गए हैं। धरने का समर्थन भाकपा माले ने भी किया। इस दौरान धरना पर बैठे सदस्यों ने जिला परिषद अध्यक्ष, डीडीसी व जिला अभियंता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर आंदोलनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि निजी लाभ को लेकर सरकारी राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। कहा कि जो राशि आया है उसे सभी जीप सदस्यों के बीच बराबर योजनाओं में बांट देना चाहिए। कहा कि जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता तब तक आंदोलन किया जाएगा। अनिश्चितकालीन धरना की सूचना मिलते ही कार्यपालक दंडाधिकारी व नगर थाना पुलिस वहां पहुंची और आंदोलनकारियों को समझाने का काम किया। इस दौरान हल्की नोकझोंक भी हुई। इस बाबत जीप सदस्य जयंती चौधरी ने कहा कि अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है, जरूरत पड़ा तो आमरण अनशन भी किया जाएगा। इधर जीप सदस्य गजेंद्र महतो ने कहा कि जब तक जीप सदस्यों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर जिला परिषद सदस्य जयंती चौधरी, रेखा अग्रवाल, किरण देवी, गजेंद्र महतो, मनोवर हसन बंटी, आसमा खातून, कैलाश यादव, पूनम देवी, सरिता महतो, माले के सचिव पूरण महतो, माले नेता राजेश सिन्हा, राजेश यादव, किशोरी अग्रवाल, मुस्तकीम अंसारी, पवन महतो, प्रीति भास्कर, रामेश्वर चौधरी, संतोष कुमार, प्रदीप महतो, तेज नारायण पासवान, राजू रजक, उज्ज्वल साव, कादिर अंसारी, उपेंद्र राय, रविंद्र राय आदि मौजूद थे। जिला परिषद के सदस्य जो है माले के लगभग 11 सदस्य हैं और पूरे जिले में लगभग
47 सदस्य। कहने का ये अर्थ है कि सिर्फ आप उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को ही आप करोड़ों का राशि क्यों देते हैं? ये एक दो दिन और एक दो घंटे के लिए नहीं है, धीरे धीरे हम लोग अपना संख्या बढ़ाएंगे और प्रत्येक जिला परिषद जो क्षेत्र है 11 जिला परिषद से हजारों की संख्या में आएंगे। पूरे शहर में हम लोग इस बात को रखेंगे कि एक साइड 1 करोड़ देते हो और दूसरे साइड 10 लाख भी नहीं देते हो, ये कहाँ का सेटिंग है? और ये सेटिंग जब तक तुम ध्वस्त नहीं करोगे तब तक इसी तरह से बंद करेंगे, ऑफिस बंद कर देंगे, ऑफिस में ताला मार देंगे। भाकपा माले और जिला परिषद आपके साथ। आज यहाँ जिला परिषद के परिसर में कई जिला परिषद सदस्य और उनके इलाके से ताल्लुक रखने वाले उनके मतदाता, ये सब आज यहाँ अनिश्चितकालीन धरना में शामिल हुए हैं। और इनका मुद्दा है कि अभी अनाबद्ध और आबद्ध की जो राशि करोड़ों रुपए की राशि जो जिला परिषद में जिला परिषद के सदस्यों की अनुशंसा से जो खर्च होना था, कि यहाँ अध्यक्ष चुनाव में जो करोड़ों रुपया का खेल हुआ था, जो कई सदस्यों को पैसा देकर के उनको वोट लिया गया था, हमें लगता है ये उसको मेकअप करने के लिए लोग हड़बड़ी कर रहे हैं और ये मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। हम भी एक अपने क्षेत्र की उपेक्षा को लेकर के आए हैं और हम तमाम इस आंदोलन के साथ हैं। हर हाल में जिला परिषद को अपने इस ये जो निर्णय है इसको बदलना होगा और समान रूप से सभी क्षेत्र के सभी सदस्यों के को समान रूप से राशि बांटनी होगी। 15वीं वीक में एक तो इतनी बड़ी राशि पहली बार जिला परिषद सदस्यों को आई है और सबसे बड़ी इसमें बात है कि जिला में पूरे कितना फंड है ये यहाँ के पदाधिकारी बताने को तैयार नहीं है कि पूरे यहाँ जो जिला परिषद सदस्यों का अनियमितता जो है, ये मनमाना जो लूट है और जो असमानता यहाँ जिला परिषद सदस्यों को जो फंड का दिया गया है, ये अगर समान रूप से यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के DDC, जिला अभियंता जब तक इसको समान नहीं करते हैं तब तक हम लोग जो है यहाँ अनशन, अभी आज धरना से शुरुआत हुई है और हम लोग आगे जरूरत पड़ी तो हम लोग अनशन भी करेंगे, लेकिन इस निविदा को हम लोग पास होने नहीं देंगे जब तक पूरे जिला परिषदों को समान रूप से पूरे फंड यहाँ नहीं मिल जाती है, तब तक जो हम लोग का ये आंदोलन चलेगा और हम लोग इसको जो है आगे बढ़ाएंगे। DC ऑफिस सभाकक्ष में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति, पोशाक वितरण आदि को लेकर एक बैठक की गई। मौके पर उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। DC ऑफिस सभाकक्ष में सोमवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति, पोशाक वितरण आदि को लेकर एक बैठक की गई। मौके पर FLN मिशन एवं झारखंड शिक्षा परियोजना व विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक भी हुई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्ग 1 से 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत इस जिले में सभी योग्य छात्रों को राशि भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में डेटा पोर्टल पर अपलोड किए गए छात्रों की संख्या के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि इस महीने के अंत तक सभी बच्चों का डाटा अपलोड करें और सभी बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अपने प्रखंड अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए छात्रवृत्ति के कार्यों में तेजी लाएं। बच्चों की आधार मैपिंग में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% बच्चों को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड कल्याण शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के द्वारा ईद मिलादुन्नबी को लेकर संयुक्त आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की बात कही गई है। ईद मिलादुन्नबी को लेकर सोमवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के द्वारा DC ऑफिस से संयुक्त आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक मंगलवार को ईद मिलादुन्नबी त्यौहार जिले भर में मनाया जाना है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले इस त्यौहार में मोहल्ले में तकरीर, मिलाद, फातिहा, नाते कलाम आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने सभी जिलेवासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि आने वाले त्यौहार व COVID-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाएं। इस दौरान फेस मास्क की अनिवार्यता, साफ सफाई, 2 गज की सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करें,
उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाई की जाए तथा आवश्यकता अनुसार असामाजिक तत्वों के विरुद्ध धारा 107 के अंतर्गत पूर्व में ही निरोधात्मक कार्रवाई कर ली जाए एवं तत्परता बरतते हुए नोटिस का तमिला भी सुनिश्चित कराए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर डीसी ऑफिस से विभिन्न प्रकार के कोषांगों का गठन किया गया है। बताया गया कि गठित सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी के रूप में उप विकास आयुक्त को नामित किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को लेकर सुचारू रूप से सभी कार्यों के ससमय संचालन के लिए सोमवार को डीसी ऑफिस से जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार के कोषांगों का गठन किया गया। सभी कोषांगों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के सफल क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर गठित सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी के रूप में उप विकास आयुक्त गिरिडीह को नामित किया गया है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर कार्मिक कोषांग, कंप्यूटर कोषांग, सूचना तकनीकी कोषांग समेत अन्य कई को कंप्यूटर कोषांग, सूचना तकनीकी कोषांग समेत अन्य कई कोषांगों का गठन कर चुनाव के सफलतापूर्वक संचालन की तैयारियों का दिशा निर्देश दिया गया है। बताया गया कि सभी गठित कोषांगों में प्रतिनियुक्त कर्मियों को निर्देश दिया गया कि संबंधित कोषांगों में ससमय अपना योगदान समर्पित करेंगे एवं अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। सुभाष पब्लिक स्कूल मोहली चुआ के 12वीं के छात्र रोहन दास ने जेईई एडवांस 2021 में पूरे भारत में 370 CLR रैंक लाकर गिरिडीह के साथ साथ पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। इस बाबत छात्र रोहन दास ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ सुभाष पब्लिक स्कूल के शिक्षकों को दिया है। सुभाष पब्लिक स्कूल मोहली चुआ के 12वीं के छात्र रोहन दास ने जेई एडवांस 2021 में पूरे भारत में 370 CLR रैंक लाकर गिरिडीह के साथ साथ पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। रोहन की सफलता से विद्यालय परिवार बेहद खुश है। इस बाबत रोहन दास ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ सुभाष पब्लिक स्कूल के निदेशक संजय कुमार सिंह, प्राचार्य विभा सिंह और विद्यालय के सभी शिक्षकों को दिया है। इस दौरान सुभाष पब्लिक स्कूल के निदेशक संजय कुमार सिंह ने रोहन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही विद्यार्थी को सफल बनाता है। ये रोशन के मेहनत का ही नतीजा है कि उसने पूरे देश में 370वां रैंक लाकर गिरिडीह के साथ पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। ये बड़े ही गर्व की बात है कि रोशन सुभाष पब्लिक स्कूल का छात्र है। बताया गया कि रोहन के पिता दिनेश कुमार लाल दास एक सरकारी कर्मचारी है जो गिरिडीह अंचल के राजस्व उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत है। रोहन दास ने 12वीं में भी 94.6% अंक प्राप्त किया है। तो सब कुछ है। रोहन इस साल हमारे CBSE का 221 बैच का 12 का स्टूडेंट रहा है और इसका जो बड़ा भाई है वो अगला साल निकाला था जिसका एडमिशन अभी IIT धनबाद में हुआ है। और रोहन 370 रैंक ला के पूरे भारतवर्ष में एक नया कीर्तिमान साबित किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें सारा श्रेय अभी तो IIT निकाला है लेकिन आगे जाके देश का सेवा करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि UPSC चलते फिरते निकाल लेगा दोनों भाई और हमारे देश का नाम के साथ साथ मेरे सुभाष पब्लिक स्कूल का भी नाम गौरव करेगा। मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। मेरा नाम रोहन दास है, मेरे पिता का नाम श्री दिनेश कुमार लाल दास है और मेरी माता का नाम श्रीमती राखी देवी है। मैं सुभाष पब्लिक स्कूल का एक छात्र हूँ। मैंने अभी JEE एडवांस की परीक्षा जिसका रिजल्ट 15 अक्टूबर को आया है उसमें 370 रैंक भारत में हासिल किया है। और आगे क्या आपका तैयारी रहेगा? और आगे मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा जिससे मैं देश की सेवा कर सकूँ और लोगों के बीच जा सकूँ। मेरा नाम रौनक दास है, मैं 2 साल पहले JEE एडवांस का एग्ज़ाम क्रैक किया था और अभी IIT धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। मेरा भाई रोहन दास ने इस बार 370वां ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ।
उसने आगे जो एग्जाम दे रहे हैं वो बस इसको अपने शिक्षकों से बात करें, वीक सब्जेक्ट्स निकालें तो इस तरह से, और उस पर काम करें तो इस तरह से ये एग्जाम निकालना भी मुश्किल नहीं है। एबीवीपी कॉलेज इकाई ने गिरिडीह कॉलेज में नामांकन सीट बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार को ज्ञापन सौंपा। मौके पर प्रतिनिधि मंडल सदस्यों ने कहा कि इनकी मांगों पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए ताकि कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को नामांकन लेने में कोई असुविधा न हो। नामांकन सीट बढ़ाने की मांग को लेकर एबीवीपी कॉलेज इकाई ने सोमवार को गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभाविप के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्राचार्य के समक्ष अपनी मांगों को रखा। मौके पर प्रतिनिधि मंडल सदस्यों ने कहा कि इनकी मांगों पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए जिससे कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को नामांकन लेने में कोई असुविधा न हो। बताया गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुद्दों को गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य ने छात्र हित में बताया और छात्रों को एक आवेदन के साथ रिसीविंग तथा अंक पत्र जमा करने को कहा। सभी छात्रों को आश्वासन दिया गया कि आवेदन का जांच कर जिनका नामांकन नहीं हुआ है उनमें चयनित कर नामांकन लिया जाएगा तथा नामांकन सीट बढ़ाया जाएगा। अभाविप के नगर सहमंत्री ने बताया कि अगर दो दिनों के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी जिसकी सारी जवाबदेही कॉलेज प्रशासन की होगी। अभाविप गिरिडीह कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा विभावे कुलपति और कॉलेज प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। आज कॉलेज के 65 वर्ष पूर्ण होने को है। मौके पर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपने वालों में नगर सहमंत्री, नगर SFD प्रमुख अभिषेक शर्मा, गिरिडीह कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, सतीश कुमार, विशाल तिवारी तथा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। वन विभाग के अधिकारी ने जसपुर पंचायत के चुमलो गांव पहुंचकर हाथी के हमले में मारी गई खुशबू देवी के परिजनों को मुआवजा राशि के प्रथम किस्त 25,000 रुपए के भुगतान सोमवार को किया। बताया गया कि बाकी बचे राशि को DD के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। जसपुर पंचायत के चुमलो में हाथी के हमले में मारी गई खुशबू देवी के परिजनों को वन विभाग की ओर से मुआवजा राशि के प्रथम किस्त का भुगतान सोमवार को किया गया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी गांव पहुंचकर परिजनों को 25,000 रुपए नकद राशि प्रदान किए। बता दें कि एक हाथी ने पिछले दिनों खुशबू देवी को कुचल दिया था। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजन को वन विभाग की ओर से 4,00,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया जिसमें 25,000 रुपए तत्काल दिया गया और बाकी बचे 3,75,000 रुपए को DD के माध्यम से भुगतान करने की बात कही गई। मौके पर पंचायत समिति सदस्य श्यामलाल, रामप्रसाद साव, अवधेश सिंह, राजेंद्र सिंह, माले के पंचायत सचिव सनातन साव आदि लोग उपस्थित थे। कैश 25,000 दिया गया है, बाकी जो मुआवजा है 4,00,000 उसमें DD के माध्यम से सारे कागजी पर प्रक्रिया पूरा होने के बाद खाते में मिल जाएगा। इस तरह से सर प्रत्येक साल हाथी कुचल देता है किसी को न किसी को, इसका क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? हम लोग को ऊपर लिख रहे हैं ताकि कोई परमानेंट उपाय कॉरिडोर बनाने के लिए, ताकि गांव में ये हाथी का प्रवेश ना हो और आदमी और जंगली जानवर का टकराव कम हो। जसपुर पंचायत के निवासी श्रीमती खुशबू देवी का जो हाथी के कुचलने से उनकी जो मौत हुई है ये बहुत ही दुखद है। उनके पति विकास टोरी एक दिव्यांग व्यक्ति है। उनका भरण, पूरे परिवार का भरण पोषण ये खुशबू के देवी के द्वारा किया जाता था, लेकिन उसके मृत्यु के उपरांत पूरे परिवार अनाथ हो गया है। अब वन विभाग ने उसे 4,00,000 रुपया मुआवजा के रूप में देंगे जिसमें 25,000 रुपया दिया है और 3,75,000 रुपया वो DD के द्वारा परिवार को भेजेंगे। अब पैसे के देने से उनके दुख का भरपाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है ये वन विभाग की लापरवाही का कारण हुई है। ऐसे लापरवाही नहीं करना चाहिए और हम जंगल वन विभाग से मांग करते हैं कि जंगल में अच्छी व्यवस्था करें। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तीसरी में संदेहास्पद परिस्थिति में महिला की हुई मौत, खेत में पड़ा मिला महिला का शव,
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया सदर अस्पताल। उपायुक्त के निर्देश पर टीम गठित कर हुआ पोस्टमार्टम। गांवा के किशनपुर गांव में रात भर पेड़ से बांधे गए प्रेमी युगल, वीडियो हुआ वायरल। आर्थिक दंड देकर प्रेमी के छूटने की कही जा रही है बात, पुलिस में दर्ज नहीं हुआ है मामला। ताराटांड थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुई खूनी झड़प, दर्जन भर से अधिक लोग हुए घायल। दोनों ओर से 5 घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से किया गया धनबाद रेफर। और जीटी रोड पर हर दिन पास होती है प्रतिबंधित मछलियों की गाड़ियां, धनबाद क्षेत्र में पकड़े गए वाहन से हुआ मामले का खुलासा। डुमरी क्षेत्र के कई बिचौलिए हैं सक्रिय, जांच पड़ताल में जुटी है धनबाद पुलिस। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।